सोलन में कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी ने की। उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि वे आने वाले चुनावों में जीत हासिल करने और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए नियमों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी मर्जी के अनुसार पंचायतें बना रही है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला के प्रशासनिक अधिकारी राजनीति से प्रेरित होकर गांव को चुन चुन कर पंचायतें बना रहे हैं, जिससे ग्रामीण बेहद दुखी और चिंतित हैं और उनका आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर प्रदेश सरकार ने अपने निर्णय पर फिर से विचार नहीं किया तो उन्हें उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें से पंचायत का गठन किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते और स्थानीय मंत्री के इशारे पर इन्हें देखकर अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टकसाल की पंचायत में आबादी 10,000 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें से पंचायत नहीं बनाई जा रही है। इसके विपरीत जो पंचायती राज कानून के हिसाब से जो गांव पंचायत बनने के लिए पात्र नहीं है, उन्हें भी जबरन पंचायत बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर वे इसी तरह से मनमानी करेंगे तो वे इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। वे इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आप देख रहे हैं कि पंचायती राज जो एक्ट है उसके तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए और जो तरीका होना चाहिए उसको दरकिनार करके ऑफिसर्स को कहा जा रहा है कि जो उनके काम करने का तरीका जो हम देख रहे हैं उसमें जो सरकार की मंशा है उसको भी दरकिनार करते हुए, जनता की जो मंशा है उसको भी उसको नज़रअंदाज करते हुए, जो भाजपा के जो कुछ लोग हैं उनको किस तरह से पॉलिटिकल बेनिफिट हो सके, किस तरह से उनको रिप्रेजेंटेशन में हिस्सा बन सकें, इस तरह से पिक एंड चूज की एक राजनीति जो की जा रही है वो हमें देखने को मिल रही है। और बहुत दुखद बात है कि इसमें हमारे यहाँ पे स्थानीय जो मंत्री हैं उनका पूरा पूरा उसमें एक साथ है और उसमें एक उनका पूरा पूरा उनकी तरफ एक, आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसमें अपना एक पार्टिसिपेशन नेगेटिवली किया है। बहुत दुखद बात है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी पंचायती राज एक्ट है उसको देखते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए उसके तरीके से जो उसमें लेआउट किया गया है उसके अनुसार हमारे जो गवर्नमेंट है वो काम करे और आगे जो हमारे यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उनकी मंशा को भी देखा जाए। जिस तरह से फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर होने वाला है, इस बुरे फाइनेंशियल स्टेटस अभी जो हमारा हाल है पूरे प्रदेश का, पूरे देश का फाइनेंशियल जो हमारे ऊपर बर्डन है उसको ये सरकार नहीं देख रही है। इतने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, हमारे होटल्स बंद हैं, उसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। और अननेसेसरली कई जगहों पे जहाँ पे पंचायत मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर भी हैं वहाँ पे आप फिर से नया पंचायत घर बनाना चाह रहे हैं। लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार का काम होना चाहिए, सुविधा देने की मंशा होनी चाहिए। आप नेगेटिव पॉलिटिक्स के रूप में इसको काम कर रहे हैं, पिक एंड चूज की राजनीति आप कर रहे हैं, बड़ा दुख है। और जो पंचायतें बननी चाहिए हम इसके खिलाफ नहीं हैं, पर अगर आप नज़रअंदाज करेंगे 500 लोगों की पंचायत बना रहे हैं जो 10,000 लोग की बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, जैसे टकसाल है, जैसे जाबली है, जाबली को भी इन्होंने सोचा है बट टकसाल को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं, 10,000-12,000 लोगों की वहाँ पे तादाद है। तो उस तरह की जब पंचायतों के ऊपर इनका ध्यान होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब और है, हमारे यहाँ पे कंटोनमेंट एरियाज हैं, कंटोनमेंट में अभी भी अंग्रेज़ों का राज चल रहा है। आप उसमें रिप्रेजेंटेशन का एक सिस्टम ही नहीं पैदा कर पा रहे हैं जिससे वहाँ के लोग जो हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े टैक्स लगते हैं उनको पंचायतों में आप तब्दील करिए। बेहतर ये होता है ताकि लोगों की जो सुविधा है वो बेहतर होती है। अभी आग्रह कर रहा हूँ, अभी सरकार ने 7 दिन हमारे लिए
अपने ऑब्जेक्शंस के लिए रखे गए हैं, हम अपने ऑब्जेक्शंस को सबमिट कर रहे हैं। हमारे ऑब्जेक्शंस को अगर ये नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हम बड़ी समझदारी से और लोगों से सलाह करके ये बात कर रहे हैं, हम धरने पे जाएंगे। हमें अगर हाई कोर्ट का रास्ता चुनना पड़ा तो हम हाई कोर्ट का रास्ता भी चुनेंगे, और जो इसमें दोषी हैं उनको बाय नेम हम इसमें फ्रेम करेंगे।